सर, आप तो एमएसपी कमेटी का प्रतिनिधित्व करते थे, एमएसपी को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें आपने इस शो में हमें समझाई हैं, बताई हैं, लेकिन सर सरसों को लेकर बात करें तो स्थिति अच्छी नहीं है। ये क्या हो गया सरसों को लेकर? देखिए, देश को खाद्य तेलों की सबसे बड़ी आवश्यकता है और जो हालात हमारे वर्तमान में हैं और जिस तरीके से देश 60% आयात पर निर्भर है, इस वर्ष भी हमने 1,40,000 करोड़ का इंपोर्ट किया है, तो चीजें कोई अच्छी दिशा में नहीं है हमारी। लेकिन जब इस देश के किसान से अपेक्षा करते हैं कि खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भरता देगा और किसान अपने खेत में खून पसीने की मेहनत करके, उसने पिछले साल भी सरसों में इस तरीके से नुकसान उठाया, इस बार फसल में मौसम की मार से भी नुकसान हुआ और बाजार की मार भी किसान पर पड़ी। दुर्भाग्य ये है कि फरवरी में जो तैयार हो गई सरसों और पूरा बाजार में किसान ले आया, तो उसको जो सरकार की एजेंसीज को मार्केट इंटरवेंशन करना चाहिए था, विशेष रूप से नेफेड को करना चाहिए था, उसने नहीं खरीदी शुरू की, केंद्र नहीं किए। परिणाम ये हुआ कि आगरा की किरावली मंडी, भरतपुर की मंडी और तमाम मध्य प्रदेश की मंडी से लेके और सारी मंडियों में बाजार 4,200-4,300 रुपये से खुला और वो आखिर में 4,700-4,800 तक मुश्किल से जा पाया और किसान का माल देश के व्यापारियों ने सारा खरीद लिया तो बेच चुका है। अब अगर नेफेड खरीद करेगा भी, मैंने इस विषय में सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को भी जानकारी दी थी और मैंने कहा कि किसान 5,650 रुपये जो एमएसपी है उससे 1,000 रुपये कम पर बेचने के लिए, उससे भी ज़्यादा कम पर मजबूर हो रहा है, तो मौसम की मार का मारा हुआ है। हमारी सरकार की एजेंसीज कहाँ सो रही हैं और क्यों उन्होंने खरीद शुरू नहीं की, इसमें गलत हुआ है और देरी करने से नुकसान हुआ है। नहीं सर, मैं इतना कह देना काफी है क्या सर? घनश्याम जी, नहीं, इतना कह देना काफी है क्या कि गलत, देरी से गलत हुआ है? सर, मुझे वो मैकेनिज्म समझाइए ना। नहीं सर, आप मुझे वो मैकेनिज्म समझाइए जहां लूप होल रह गए, वो गड्ढे आप भर नहीं पाए। जी, आप एमएसपी का ढोल पीटते थे ना सर। मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने कमेटी के अंदर बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा कि एमएसपी को देश के बाजार का रिजर्व प्राइस बनाया जाना चाहिए, जिससे किसान का शोषण ना हो और जो बाजार की ताकतें हैं, खासतौर से जो बड़ी मार्केट फोर्सेस हैं जो इस देश के बाजार को कंट्रोल करती हैं, वो उस बात के लिए किसान को मजबूर ना किया जाए एमएसपी से कम पर, बल्कि नीलामी ही एमएसपी से शुरू होगी, चाहे खुला बाजार हो चाहे एपीएमसी की मंडियां हो। लेकिन नौकरशाही की जो कथनी और करनी का अंतर है, आज उसका परिणाम इस देश का गरीब किसान ने भुगता है। मेरी बात को अगर मान लिया गया होता तो आज किसानों की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि उससे कम पे बेचना अपराध घोषित करना था, वो नहीं किया इन्होंने और वो रिपोर्ट तक जो है सबमिट नहीं की। ठीक है, ये जो अपराध हुआ है कमेटी के अधिकारियों ने जो किया है वो ठीक नहीं है, उस वजह से किसानों को शोषण हुआ है। ठीक है, और इसमें साथ एक चीज और मैंने कहा था कि जो आयात होता खाद्य तेलों का, उस पर हमें टैरिफ जो है पाम ऑयल पर कम से कम 25% इसलिए रखना है कि देश के तिलहन का बाजार बचा रहे और वो जो इंपोर्ट है वो आयात शुल्क की